नगरीय निकाय चुनाव होने के बाद बुधनी नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग ऑफिसर राधेश्याम बघेल को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका जताई है। इस मामले में कांग्रेस नेता संजय शर्मा का कहना है कि जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मिलकर इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात भी करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील चौहान ने कहा कि प्रशासन ने पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों की मदद की है, जो कि नियम विरुद्ध है। सुनील चौहान ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा खुलकर वार्ड में पैसे और दारू का खेल खेला गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। वार्ड 13 के निर्दलीय प्रत्याशी प्रतिनिधि निमंत राम प्रजापति ने कहा कि हमें पूरी आशंका है कि निश्चित रूप से ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की गई है। बताया जाता है कि गड़बड़ी की आशंका को लेकर निर्दलीय और कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम यहां पर रखी थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई थी। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन भी लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। नतीजा सबके सामने है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 सुनील चौहान, निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 13 निमंत राम प्रजापति, निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 पुरुषोत्तम यादव धनीराम, राम बगस पचारे, रुक्मणी उइके, प्रेम कुमार वर्मा, सुशील बाई, उदयराम, कमल यादव अन्य प्रत्याशी शामिल रहे। आदर्श न्यूज के लिए बुधनी से गोवर्धन सोनी की रिपोर्ट। अभी नगर निकाय के चुनाव बुधनी में संपन्न हुए हैं 13 तारीख को, जिसके परिणाम 20 तारीख को बताए गए हैं, लेकिन 18 तारीख को तैयारी जो हो गई थी उस संबंध में हम ज्ञापन देने यहाँ पर आए थे माननीय एसडीओ महोदय को, और जिनके द्वारा हम आगे निर्वाचन शाखाओं को भी पहुँचाएंगे। हमारा बताएं, आज हम तहसील परिसर में 20 तारीख की हुई मतगणना के विरोध में आए हैं। वो मतगणना फर्जी हमें लगी है, क्योंकि 18 तारीख को उस मतगणना के अंक जाहिर कर दिए गए थे। भाजपा के प्रत्याशी उसको लेकर लोगों को इशारा करते रहे कि हम जीत गए, और वाकई में वही हुआ जो वो इशारा कर रहे थे। इस मतगणना से हम संतुष्ट नहीं हैं, ये चुनाव हम रद्द मानते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन अपील करते हैं कि दोबारा अपने चुनाव करवा जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। आज हम लोग एडीएम कार्यालय आए हैं, हमने ज्ञापन दिया। हम जो उपस्थित हैं लगभग जो बुधनी नगर पार्षद का चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी लोग हैं। 20 तारीख को परिणाम जो आया है उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि रिजल्ट की घोषणा पहले हो चुकी थी।